कुम्हारी ब्रिज पर पहुंचती है और उसी दौरान कोई अन्य गाड़ी उसे पीछे से ठोक कर आगे बढ़ जाती है। भिलाई से रायपुर जाने के दरमियान कुम्हारी ब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ कि तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, इस तरह से बह गया है, जिस तरह से जो शरीर के हुए हैं। हादसे की सड़क या यूं कहूं कि हादसे का शहर धीरे धीरे भिलाई और दुर्ग और तमाम ऐसे क्षेत्रों में लगातार जो खबरें आ रही हैं वो इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस विषय से पहले सबसे पहले ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि सुबह सुबह आज अचानक एक महिला अपनी स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी कुम्हारी ब्रिज पर पहुंचती है और उसी दौरान कोई अन्य गाड़ी उसे पीछे से ठोक कर आगे बढ़ जाती है। मौके पर महिला की मौत हो जाती है और मौत के बाद जो तस्वीर आती है उसके बाद ये खबर बनती है और ये खबर हम आपको इस स्क्रीन के सामने पेश कर रहे हैं। मैं सीमांत हूँ और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। आपको आज एक खबर बता रहा हूँ, लेकिन आज से ही एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले की मैं बात करूँ तो कल रात के 12 बजे के आसपास एक घटना होती है पावर हाउस ब्रिज पर, जहाँ पर एक शख्स जो बुरी तरह से चपेट में आ जाता है किसी अन्य गाड़ी के, वो भी अन्य गाड़ी इसलिए क्योंकि उस गाड़ी का अभी कोई खोज खबर अता पता नहीं है। आज जो सुबह घटना हुई है जिसमें एक महिला जिसकी मौत हो गई स्पॉट पे, उसे भी किस गाड़ी ने ठोका ये भी अभी तक जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। क्या कुछ मामला था आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल कल वोटिंग थी तो वोटिंग के दौरान कई लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी में सभी लोग इधर उधर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बूथ पर ड्यूटी मिली हुई थी। ऐसे में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरहोला की एक व्याख्याता जिनकी ड्यूटी वैशाली नगर विधानसभा में लगी हुई थी, कैंप टू बूथ पे उनकी ड्यूटी लगी थी। 7 तारीख को वोटिंग कराने के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से उन्होंने जो है स्ट्रांग रूम में जो मशीन होती है ईवीएम मशीन वो जमा करना था, तो सुबह 4 बज गए ऐसा करते करते, क्योंकि पूरी टीम थी उनके साथ जो सहयोगी थे उनके साथ उन्होंने ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जमा की। जमा करने के बाद अपनी वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद महिला सुबह 4 बजे के करीब अपनी ईवी स्कूटर से निकलती हैं। उससे पहले वो बस स्टैंड पर बैठी हुई थी, उसके बाद वो अपनी स्कूटर से निकलती हैं, हेलमेट पहनी हुई थी। वहाँ से वो उनको कुम्हारी जाना था। लोगों का ये कहना है कि उनका घर रायपुर के कोटा में है, अब ऐसे में रायपुर जाना था उन्हें और भिलाई से रायपुर जाने के दरमियान कुम्हारी ब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ कि तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, तेज वाहन उन्हें ठोकती है और उसके बाद वो धाराशाह हो जाती हैं उस सड़क पे। और उसके बाद जब मौके पर जब उनकी थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने सोचा कि नज़दीकी प्राथमिक उपचार के लिए जो नज़दीकी एपेक्स हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाए, तो वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि कर चुकी हैं और उसके बाद फिर उनकी जो बॉडी है उसको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जा रहा है। परिजनों को इन सब की जानकारी दी गई है। महिला का नाम मधु बंजारे और महिला व्याख्याता थी गिरहोला के एक स्कूल की और ये पूरा मामला जो है कुम्हारी ओवरब्रिज पे हुआ। कल ही रात को पावर हाउस ओवरब्रिज पे जिस तरह से सचिन गोस्वामी के साथ ये पूरा हादसा हुआ था जिसमें उनका एक पैर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ पर सड़क पर अवशेष भी पड़े थे, उसकी खबर कल मैंने रात में आपको सुनाई थी। और ठीक कुछ घंटे बाद सुबह के करीब ये खबर आती है कि एक महिला जो अपनी ड्यूटी निभा करके वापस अपने घर की ओर जा रही थी स्ट्रांग रूम से अपने घर की ओर, कि तभी कुम्हारी में ये हादसा होता है। हादसे में उस महिला की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत जिस जगह पे ये सारी चीज़ें हुई हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस तरह से बह गया है, जिस तरह से जो शरीर के हिस्से हुए हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जो चीज़ें जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनके ज़रिए बताया गया कि एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भयावह था। अब तक पुलिस जांच में जुटी है, कुम्हारी थाने की पुलिस, और कल के जो मामले थे उसमें भी पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कौन शख्स है जो इस तरह से ठोक करके आगे बढ़ गया और उसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। जांच के विषय के साथ साथ एक सवाल ये भी कि दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में इस तरह के हादसे आम हो चले हैं, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आपके या हमारे घर से निकलने वाला कोई शख्स किस हालत में लौटेगा ये कोई नहीं जानता, फिर वो चाहे हेलमेट पहना हो या नहीं पहना हो। लेकिन अमूमन लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, अमूमन क्या हर किसी को जब वो अपनी दुपहिया वाहन से निकलता है तो उसे हेलमेट पहनना चाहिए और पहनना ज़रूरी भी है।
लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कुछ मामले ऐसे हैं जिस हेलमेट पहनने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो ये एक भयावह विषय है। भयावह के साथ साथ जो घटना हुई है उसमें परिजन लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आएंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है आगे की अपडेट, आगे की रिपोर्ट के साथ मैं आपको सचिन भाव के साथ दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।